यार पता है क्या, मैं ना मान गई, भारत के लोगों का इंटेलिजेंस पावर मान गई। अरे ऐसी इंटेलिजेंस, इतने करारी नॉलेज और इतने फाड़ू फैक्ट्स, मानो चाइना भी शर्मा जाए। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तौबा तौबा, इन कॉमन लोगों में कभी कुछ अनकॉमन होती ही नहीं है। 2017 में भी इन लोगों ने स्नैपचैट और स्नैपडील के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। वो अलग बात है कि दोनों में दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं है, बट दोनों में स्नैप वर्ड कॉमन है, तो भावनाएं भी तो सेम होनी चाहिए ना। इसे कहते हैं एकता। अरे ये वाली नहीं रे, यूनिटी वाली एकता। यू नो व्हाट, कॉमन पीपल्स आर वेरी मच भावुक विद द वर्ड कॉमन, इसलिए इस बार भी इन लोगों ने दो चीजों में कॉमननेस निकाल ही दी। हाल ही में सर्फ एक्सेल ने एक एड लॉन्च किया, जिसके बाद बॉयकॉट सर्फ एक्सेल, लीव हिंदूज अलोन, बॉयकॉट सर्फ एक्सेल, अजात शत्रु, सर्फ एक्सेल गो बैक, बॉयकॉट सर्फ एक्सेल एड इज ह्यूमिलेटिंग हिंदुइज्म, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, ये हिंदू विरोधी है, है? मगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिव्यू पेज में अरे मिथुन दा का ग्रैंड सल्यूट इन लोगों को देना चाहिए, ऑस्कर इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि एक वॉशिंग पाउडर का एक सॉफ्टवेयर के साथ संभोग करवाना कोई इनसे सीखे। सीखे। तो अब चलिए देखते हैं कि सबको बवासीर का रोग देने वाला इस एड का कंटेंट क्या है। Happy Holy! बस घर से निकलो, खेलो अरे खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे। भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। पढ़कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। तोबा तोबा, लव जिहाद, वाओ। अबे घंटा, आखिर कौन सा लव और कौन सा जिहाद दिख गया इसमें। पहली बात, इस एड में इस लड़की और लड़के के बीच कुछ कुछ होता है जैसे कोई बात दिखाई नहीं दी। और दूसरी बात, होली में ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर निकलने में डरते हैं। अरे मैं खुद अपने बाथरूम से नहीं निकलती, क्या पता घर में कौन घुस जाए और बोले कि बुरा ना मानो होली है और जबरदस्ती भूत बना के चला जाए। ऐसा होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हिंदू लोगों के रंग डालने के डर से घर से बाहर नहीं निकल रही ना। पर एक उद्यमी बालक है जिसका कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदू बच्चों के रंग डालने के डर से एक सहमा हुआ मुस्लिम बच्चा बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पर इसमें ना इसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा ये तो ठहरा भ्रष्ट बुद्धि का मारा। बट वॉट अबाउट भंडारी जी, जो की एक डेटा साइंटिस्ट है प्ले स्टोर में। ये उनका कहना है, उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है। Get out of India, you anti-nationalist app. Gonna request Sundar Pichai to throw you away from Play Store and of course Satya Nadella as well to remove you from Microsoft Office. As a data scientist, it was tough to say this, but country, profession, anytime. यार इनकी ऊपरी माला में तो एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक्स सबका भंडार खत्म हो चुका है। अरे बच्चे सर्फ एक्सेल को बैन करते हैं, पर लेजेंड्स लाइक हिम बैन MS Excel. वाह मोदी जी वाह, कितने लेजेंड्स पैदा हो रहे हैं आपके राज में मोदी जी। वो क्या है ना कि इतने अच्छे दिन की आदत ना है, हमें इतनी खुशी संभाल ही नहीं पा रही। किसी ने सच कहा है, सच वचन। पैक्स के नाम पे क्या मजाक चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बने गए हैं, और सर्फ एक्सेल एक वॉशिंग पाउडर है। यार इतनी छोटी सी डिफरेंस समझ में नहीं आ रही तुम लोग, और चले हैं लोग गवर्नमेंट बनाने। यार उस हिसाब से तो हमारे मोदी जी और कोकिला मोदी भी सेम हुए। देखो अब समझ में आई डिफरेंस।
अब ऐसा नहीं है कि सर्फ एक्सेल ने पहले कभी रमजान के ऊपर ऐड नहीं बनाई हो। अगर आप 2016 से लेकर 2018 तक देखें तो उन लोगों ने रमजान के ऊपर बहुत से ऐड बनाए हैं, पर तब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक हिंदू लड़की क्या दिख गई सबके गांड में आग जलने लगे। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं है कि उसमें एक हिंदू लड़की को दिखाई गई है, मुद्दा ये है कि अभी इलेक्शन का सीजन है और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये जो कंट्रोवर्सी है वो इलेक्शन के स्वैग लेवल को बढ़ा रही है। सही खेल गया बैंच। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे अनभक्त यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बैन करवाने में तुले हैं, लेकिन भाइयों कभी ये सोचा है कि जिन प्रोडक्ट्स को आप बैन करवाने की सोच रहे हैं आपका आधा खानदान ही इन प्रोडक्ट्स पे गुजारा कर रही है। कैसे? आपकी बहु बेटियां हड़ताल कर देंगी अगर फेयर एंड लवली लिप्टन ग्रीन टी या फिर लैक्मे बैन हो गई तो। आपके घर के छोटे छोटे प्यारे बच्चे अगर नॉट बैन हो गया तो वो लोग रो पड़ेंगे, और आपके घर का चिराग, आपके घरों के बेटे, वो लोग तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर फेयर एंड हैंडसम बैन हो गया तो। सोचिए अब है कोई सब्स्टिट्यूट। रिंकिया के पापा ही हंस दे, रिंकिया के पापा ही हंस दे। राइट। अब एक लॉजिक की बात करूं, एक दूसरा लॉजिक। अगर इस ऐप को आप कुछ इस तरह से एनालाइज करते कि वो मुस्लिम बच्चा उन हिंदू बच्चों से नहीं बल्कि उसके ऊपर पड़ने वाले उस रंग से बचने के लिए घर पे बैठा हो, और वो हिंदू लड़की जो कि उसकी दोस्त भी हो सकती है वो उसको हेल्प कर रहा हो कि वो अब मस्जिद जाके अपना नमाज पूरा करे और वापस आकर उन्हीं हिंदू बच्चों के साथ होली खेले, वाजंट इट दैट सिंपल? जबकि इस कंपनी ने इस मैसेज को क्लियर भी कर दिया था अपने टैगलाइन से, अपने पन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। भक्तों को लॉजिक कितना समझ में आया आई डोंट नो, बट अगर आपको समझ में आ गया तो हिट लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल द कॉलोनी बॉयज एंड प्लीज press the bell icon so that you get notified when we are on. You can also find us on Facebook, Twitter and Instagram. The link is given in the description below. You can also place your valuable comments on the comment section below. And please bataiye aapko pehla episode of Wasted kaisa laga taki hum log aur bhi aur achhe videos aapke samne lekar aa paaye. Till then, happy Holi in advance to everyone and ta-da!